वेलकम टू फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ सोनम। साल 2019 की सबसे बड़ी फिल्म एवेंजर्स एंड गेम का इंतजार खत्म हो गया है। मार्वल स्टूडियो की 10 साल और 21 फिल्मों के सफर का अंत है। आपको बता देते हैं कि मार्वल्स 3 फेज में बटा हुआ है। हर फिल्म में एक मिडिल क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन होता है, इससे आने वाली फिल्मों का क्लू मिलता है। मार्वल्स के पहले फेज में दिखाया गया था कि सुपर हीरोज की जर्नी कैसे शुरू हुई। फेज 1 की पहली फिल्म 2008 में आई आयरन मैन थी। आयरन मैन की कहानी अरबपति जीनियस इंजीनियर टोनी स्टार्क यानी कि रॉबर्ट के इर्द गिर्द घूमती है। टोनी स्टार्क दुनिया की सबसे बड़ी हथियारों और टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक है। टोनी की लाइफ जब बदल जाती है जब वो अफगानिस्तान में कुछ आतंकवादी उसे अगवा कर लेते हैं। गुफा में टोनी स्टार्क अपने सीने में लगे आर्क रिएक्टर की मदद से आयरन मैन सूट बनाता है और वहां से निकल जाता है। कैद से निकलने के बाद टोनी अनाउंसमेंट करता है कि उसकी कंपनी हथियार नहीं बनाएगी। इसके बाद टोनी अपने आयरन मैन सूट को अपग्रेड करता है। फिल्म के आखिर में टोनी स्टार्क घोषणा करता है कि वो एक आयरन मैन है। इस फिल्म में पहली बार टोनी के दोस्त और अमेरिकी वायुसेना के कर्नल जेम्स रोड्स टोनी स्टार्क की गर्लफ्रेंड दोनों ही नजर आते हैं। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में शील्ड नाम की संस्था के डायरेक्टर यानी कि निक फ्यूरी सुपर हीरो की टीम एवेंजर्स बनाने का जिक्र करते हैं। द इनक्रेडिबल हल्क गामा किरणों से साइंटिस्ट ब्रूस बैनर की कहानी। ब्रूस बैनर गामा किरणों के जरिए एक एक्सपेरिमेंट करता है। ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। ब्रूस को जब भी गुस्सा आता है वो एक विशाल हरे रंग के दानव में तब्दील हो जाता है। इस फिल्म में एडवर्ड नॉर्टन ने ब्रूस बैनर के किरदार को निभाया था। हालांकि इस फिल्म के बाद ब्रूस बैनर और हल्क के किरदार के लिए एडवर्ड नॉर्टन को एक्टर मार्क रेफेलो ने रिप्लेस किया था। साल 2010 में फिल्म आयरन मैन 2 अपने पहले पार्ट की कहानी को आगे बढ़ाती है। इस फिल्म में टोनी स्टार्क के सीने में लगा आर्क रिएक्टर का जहरीला पदार्थ के कारण उसकी जान को खतरा रहता है। इस दौरान वानको नाम का एक विलन टोनी स्टार्क पर हमला करता है। हालांकि आयरन मैन उसे हरा देता है लेकिन स्टार्क इंडस्ट्री की विरोधी कंपनी उसे जेल से छुड़ा ले जाती है। वार्को भी आयरन मैन जैसा ही एक सूट तैयार करता है। टोनी स्टार्क दूसरी तरफ अपने पिता हार्डवर्ड स्टार्क की एक पुरानी वीडियो की मदद से एक नए तत्व की रचना करता है। ये तत्व उसे आर्क रिएक्टर के जहर से बचाता है। फिल्म के आखिर में वानको और आयरन मैन की भिड़ंत होती है। इस फिल्म में पहली बार शील्ड एजेंट नताशा रोमानोफ उर्फ ब्लैक विडो की एंट्री हुई। इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में थॉर का हथौड़ा दिखाया गया है। साल 2011 में आई फिल्म थॉर मार्वल स्टूडियो की पहली फिल्म थी जिसमें धरती के बाहर एसगार्ड ग्रह की कहानी दिखाई गई। एसगार्ड के राजा अपने बेटे थॉर का बहिष्कार कर उसे धरती पर भेज देते हैं। थॉर का गोद लिया हुआ भाई लोकी साजिश से गद्दी को हत्या लेता है। वहीं थॉर की मुलाकात खगोल विज्ञानी जेन फोस्टर से होती है। लोकी थॉर को मारने के लिए एक विशाल राक्षस धरती पर भेजता है। हालांकि थॉर अपना हथौड़ा हासिल कर उसे हरा देता है। इसके बाद थॉर एसगार्ड वापस लौट कर लोकी की साजिश नाकाम करता है। फिल्म में पहली बार बायफ्रॉस्ट दिखाया गया है जो दुनिया से दूसरी दुनिया का रास्ता है। इस फिल्म में पहली बार क्लिंटन बार्टन उफ हॉकी की झलक मिलती है। इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक स्पेस स्टोन को दिखाया गया है। स्पेस स्टोन टेसरेक्ट ट्यूब में कैद शील्ड नाम की संस्था के पास है। इसके अलावा फिल्म में 9 रियासतों का जिक्र हुआ है। कैप्टन अमेरिका की कहानी 1942 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की है। हिटलर की निजी सेना का सदस्य जोहान शिमिड उर्फ रेड स्कल जर्मनी के अधीन नॉर्वे देश से टेसरेक्ट क्यूब को चुरा लेता है। सिमिट इसका इस्तेमाल खतरनाक हथियार बनाने के लिए करता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव रोजर्स नाम का युवक अमेरिकन आर्मी में भर्ती होना चाहता है। हालांकि उसे कई बीमारियों के कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी दौरान स्टीव का बेस्ट फ्रेंड अमेरिकन सेना में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर इब्राहिम की नजर स्टीव रॉजर्स पर पड़ती है। इब्राहिम उन्हें एक एक्सपेरिमेंट के लिए चुनते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए स्टीव को गामा किरणों की मदद से सुपर लेजर कैप्टन अमेरिका में बदल दिया जाता है। दूसरी तरफ जोहान समिड एक संस्था बनाना चाहता है जो पूरे विश्व में कब्जा करना चाहती है। स्टीव रॉजर्स जोहान समिड की इस योजना को नाकाम करता है। हालांकि उसका दोस्त खाई में गिर जाता है। वहीं स्टीव रॉजर्स का जहाज आर्कटिक में क्रैश हो जाता है। आर्कटिक में वह 70 साल तक बर्फ में दफन रहता है। 70 साल बाद मौजूदा वक्त में एक वैज्ञानिक का दल उसे खोज निकालता है। कैप्टन अमेरिका के मिड क्रेडिट सीन में 70 साल बाद स्टीव एक अस्पताल में नींद से जागा होता है। वहीं फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी उसे बताता है कि दुनिया खतरे में है और उसे सुपर हीरो की टीम के साथ मिलकर बचाना है। इस फिल्म में टोनी स्टार्क के पिता और शील्ड के संस्थापक हावर्ड स्टार्क और पेगी कार्टर को दिखाया गया है। हावर्ड स्टार्क कैप्टन अमेरिका को उसकी ढाल देते हैं। ये ढाल दुनिया में सबसे मजबूत तत्व वाइब्रेनियम की बनी है। पहली फिल्म आयरन मैन में सुपर हीरो की टीम
एवेंजर्स का जिक्र किया गया था वह पहली बार साथ आते हैं। थॉर का भाई लोकी एलियन थानोस की आर्मी की मदद से धरती पर हमला करता है। लोकी का मकसद धरती से स्पेस स्टोन हासिल करना है। इसके लिए उसे थानोस एक शाही छड़ी देता है जो किसी के भी दिमाग पर काबू कर सकती है। लोकी धरती पर आकर शील्ड के एजेंट क्लिंट बार्टन और साइंटिस्ट एरिक सेल्विंग के दिमाग में कब्जा कर लेता है। इन दोनों की मदद से वो टेसरेट ट्यूब को चुरा ले जाता है। टेसरेट ट्यूब के जरिए लोकी धरती के ऊपर एक पोर्टल खोल देता है जहां से एलियन की आर्मी न्यूयॉर्क शहर में तबाही मचा देती है। एलियन की इस आर्मी को एवेंजर्स की टीम कैप्टन मार्वल, आयरन मैन, थॉर, ब्लैक विडो, हल्क और हुआई मिलकर रोकते हैं। आखिर में थॉर लोकी को बंदी बनाकर टेसरेट समेत वापस एस्गार्ड ले जाता है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में मार्वल के सबसे बड़े विलेन थानोस की पहली झलक मिलती है। द एवेंजर्स के साथ मार्वल का पहला फेज खत्म होता है। तो दोस्तों, एवेंजर्स की इस पूरी कहानी को कई हिस्सों में बांटा गया है। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।